नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे जो आपके मन में जरूर आई होगी। आपने आसपास में लोगों को यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि नवरात्रे, उपवास या धार्मिक क्रियाओं में लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं किया जाता। हमें बहुत से ऐसे लोग भी देखने को मिले हैं जो बिल्कुल भी इनका सेवन नहीं करते। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों लहसुन और प्याज को धार्मिक पूजा पाठ आदि में उपयोग करना उचित नहीं माना जाता? ऐसा कारण क्या है? आज हम आपको जरूर बताएंगे। वैसे तो हमारे शरीर के लिए लहसुन तथा प्याज बहुत आवश्यक होता है। यह बहुत ही उपयोगी चीज है जो हमारे शरीर को भयंकर तथा जानलेवा बीमारियों से भी बचाता है और खाना बनाने में इस्तेमाल करने की भी सलाह दी जाती है। हमारे हिंदू धर्म में पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। जब हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार जब समुद्र मंथन चल रहा था, तब उसमें से जो अमृत निकलता है वह भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को धारण कर देवताओं में अमृत बटता है। तब उनमें से एक असुर जो राहु नाम का होता है, वह अपना रूप बदलकर देवताओं की श्रेणी में आकर बैठ जाता है और तभी गलती से उसे भगवान विष्णु अमृत पिला देते हैं। परंतु भगवान विष्णु को उसी क्षण पता चल जाता है। परंतु उसी क्षण भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट देते हैं। परंतु जब तक अमृत उसके कुछ भाग तक पहुँच चुका था, लेकिन गले से नीचे नहीं उतर पाता और शरीर में अमृत नहीं पहुँचने के कारण उसका शरीर वहीं नष्ट हो जाता है। परंतु उसका सर अमर हो गया था। जब भगवान विष्णु उस असुर का सरकार देते हैं तो खून की कुछ बूंदे अमृत के साथ मिलकर जमीन पर गिरती हैं, जिसके कारण वहाँ पर प्याज तथा लहसुन की उत्पत्ति हो जाती है। जो कि प्याज और लहसुन अमृत की बूंदों को साथ मिलकर बना है, इसलिए इसे भयंकर लोगों से जड़ने की गुण भूत होते हैं। लेकिन उस राक्षस का खून होने के कारण इससे तेज गंध आती है एवं इसे पूजा के दौरान अपवित्र माना जाता है। देवी देवताओं को कभी भी नहीं चढ़ाया जाता। इसलिए पौराणिक काल से ही ब्राह्मण प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते। कुछ ब्राह्मण तो ऐसे भी होते हैं, उन्हें आज तक पता भी नहीं है कि इनका स्वाद कैसा होता है। आपको जानकारी दे देकर, यह सनातन धर्म में ही नहीं बल्कि जापान और चाइना के भी कुछ वर्ग के ऐसे लोग हैं जो लहसुन और प्याज से बहुत ही परहेज करते हैं। इसीलिए प्याज और लहसुन को हिंदू धर्म में खाना वैसे तो मना ही होता है, लेकिन आजकल यह बिल्कुल ही आम हो गया है। इसको सभी इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार इसका सेवन करना बहुत ही गलत होता है। आप लहसुन खाते हैं या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताना। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में आपसे।